नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। डोकलाम को लेकर चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत को जापान का साथ मिला है। जापान ने कहा है कि ताकत के जोर पर कोई भी जमीनी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। भारत अमेरिका से 6 जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर का नाम अपाचे हेलीकॉप्टर है। इसकी कीमत तकरीबन 4100 करोड़ रुपए है। हेलीकॉप्टर आने के बाद भारतीय सेना की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। स्पेन के बार्सिलोना में आतंकवादी हमला हुआ है। भीड़ वाले इलाके में आतंकवादियों ने वैन से लोगों को कुचल दिया। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। इसमें तकरीबन 13 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है। UNISTR की रिपोर्ट के अनुसार भारत को हर साल करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और साथ ही साथ कई लोगों की जानें भी जाती हैं। पाकिस्तान वायुसेना का एक लड़ाकू विमान अभ्यास के दौरान पंजाब इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन निर्मित यह विमान लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर दुर्घटना का शिकार हुआ। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं। भाजपा के नेता अमित शाह ने मिशन 2019 के लिए 350 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। गुजरात में स्वाइन फ्लू बेकाबू होता जा रहा है। अब तक इस साल गुजरात में 210 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी है। अब तक कुल 2100 मामले गुजरात में दर्ज कराए जा चुके हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये आदेश वहां के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने दिए हैं। इस जाँच के लिए एक कमीशन का भी गठन किया गया है। मणिपुर की रोम शर्मिला ने तमिलनाडु में अपने प्रेमी डेसमंड से विवाह कर लिया। यह एक बेहद सादा समारोह था। इस समारोह में दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले भी मौजूद नहीं थे। इंफोसिस के CEO और MD विशाल सिक्का ने आज इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह UB प्रवीण राव अब CEO होंगे। इस्तीफे के बाद कंपनी के स्टॉक में 6% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। आज फटाफट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।